नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग सही सुन रहे हैं। फाइनली आप सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुका है। जी हाँ बच्चों, जैक बोर्ड की ओर से क्लास 8 के विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी अभी कुछ देर पहले आप सभी के रिजल्ट को जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग क्लास 8 के रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि कितने नंबर यानी कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास किए हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी फेल किए हैं। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपका क्लास 9 की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। चाहे वह आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर हो या तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो, ठीक है। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएँ। व्हाट्सअप ग्रुप में आधा घंटा पहले ही मैंने अपडेट दे दिया था, सबसे पहले वहीं पे अपडेट देता हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पूरी प्रोसेस को कि किस प्रकार से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों की क्लास 8 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ है, इसमें इस बार आपका कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास किए हैं। देखिए, इस बार आपका क्लास 8 की बोर्ड परीक्षा में आपका 5.5 लाख विद्यार्थी आपका परीक्षा में बैठे थे, जिसमें आपका 95.64 प्रतिशत विद्यार्थी पास किए हैं। यानी कि लगभग लगभग सारे विद्यार्थी पास कर गए हैं। जो आपका सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, लगभग वही विद्यार्थी आपका फेल किए हैं, ठीक है। और तो पूरा भोंदू का वही फेल किया होगा। यानी कि अगर 100 बच्चों ने आपका मान के लिए 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो लगभग उसमें आपका 96 बच्चे पास कर गए। यानी कि प्रत्येक 100 में से मात्र 4 ही बच्चे फेल किए, ठीक है। तो 95.64 प्रतिशत विद्यार्थी आपका इस बार आपका पास किए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से चेक होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र को अथवा गूगल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। और ये जो सर्च बॉक्स आप सभी को दिख रहा है, इसमें आप सभी को सर्च करना है जैक एग्ज़ाम पोर्टल, ठीक है। ये देखिए, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे सर्च किया था, इस वजह से लिखा हुआ आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको आप लोग टाइप कर लीजिएगा जैक एग्ज़ाम पोर्टल। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा ना, तो जो पहला वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है zekexampportal.in, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कीजिएगा तो ये आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल जो पोर्टल है, ये आपका खुल चुका है। इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा, और यहाँ पे देखिए जो रीसेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन दिख रहा है, इस पर यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा होगा क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 एग्ज़ाम 2024 रिजल्ट, ठीक है। यानी कि आपका रिजल्ट जो जारी हुआ है वो दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप सबों का क्लास 8 का पोर्टल खुल चुका है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैसे चेक होगा, ठीक है। तो पहली बात, आप लोग वो मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 8 का रिजल्ट है ना, वो कोई भी विद्यार्थी चेक नहीं कर सकता है। चेक कर सकता है जिसके पास आपका आईडी और पासवर्ड होगा। कौन सा आईडी पासवर्ड? तो आपके प्रिंसिपल के पास होता है, ये स्कूल का आईडी पासवर्ड होता है। एक साथ सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट इसमें देखा जा सकता है। तो ये जो आपका फोर यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है। और यहाँ पर आपका यूज़र नेम, ठीक है, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास ही होता है, अगर वो आपको दिए हैं तो यहाँ पे आप लोग डालिएगा। और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, उसके बाद आप लोग साइन इन कर लीजिएगा। तो साइन इन करने के बाद आप लोग अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, वहाँ रिजल्ट वाला सेक्शन रहेगा, इस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जनरली आप लोग क्या कीजिए, अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए, स्कूल का जो आपका प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोग अपने रिजल्ट को चेक करवाइए। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई विद्यार्थी अपने आप रिजल्ट तो नहीं देख सकते इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल आपका क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए क्या किया जाता है, स्कूल को ही रिजल्ट भेजा जाता है, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल ही सिर्फ देख सकते हैं। आप लोग अपने स्कूल के प्रिंसिपल या तो सर को कॉल कीजिए और उससे अपना रिजल्ट का पीडीएफ मांग लीजिए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो समझ में आ गया होगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।